अस्सलाम वालेकुम, हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम टू एमसीबीएस ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी विल अंडरस्टैंड फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल नंबर एंड इट प्रेजेंट वन और मोर इक्वल पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फ्रैक्शन क्या है? किसी भी एक पूरे नंबर का एक पार्ट होता है जो कि उसके इक्वल पार्ट्स या ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक चपाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक चपाती है हमारे पास में, ठीक है। इस चपाती को हमको मोहन और स्नेहा दो लोगों में शेयर करना है। शेयर करना है, आधी आधी देनी, मतलब हमको, ठीक है, मतलब एक चपाती है, हमको उसको आधी आधी दोनों में देनी है। तो उसको हम सबसे पहले तो आधी आधा कर दिया हमने उसको, ये एक पार्ट स्नेहा का हो गया और आधा पार्ट उसका, आधा पार्ट स्नेहा का हो गया, आधा पार्ट मोहन का हो गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 1/2। हाफ कैसे लिखते हैं हम? हाफ कैसे लिखते हैं हम? 1/2। 1/2 लिख दिया हमने। अब इसमें जो वन है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं। जो ऊपर वाली जो डिजिट है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, ठीक है। नीचे वाली जो डिजिट है उसको हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। इसको इजी करने के लिए मैं आपको बताती हूँ, 1/2 ऐसे भी लिखते हैं, 1/2 ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। ऊपर वाली जो डिजिट होती है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाली डिजिट को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। बीच की जो लाइन है वो फ्रैक्शन बार और डिवीजन बार होती है। बीच की लाइन क्यों होती है? इसको फ्रैक्शन बार या डिवीजन बार, क्या हाफ हो गया है ना, वन चपाती को हमने हाफ किया तो दिस इज हाफ। इसी तरीके से मैं आपको एक और बताती हूँ फ्रैक्शन को आपको समझने का तरीका। फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस, है ना। जैसे सबसे पहले हमने हाफ लिया, 1/2, ठीक है। हमारे पास में अब हम टू पेंसिल्स हैं, सॉरी आई विल एक्सप्लेन यू अनदर मेथड। फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस किसको बोलते हैं हम? 1/4, 3/4, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है उसको हम लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस किसको बोलते हैं? जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग होता है, जैसे 5/8, 5/3। दोनों की डिनोमिनेटर अलग है ना, तो इनको बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। इसी तरह टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में होता है प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस सबसे पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं हम? प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनका जो न्यूमरेटर होता है वो लेस देन डिनोमिनेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल, 2/8, न्यूमरेटर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। देन वी विल डू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल देन डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि या तो उसका
न्यूमरेटर उससे बड़ा होगा और या फिर बिल्कुल इक्वल होगा. फॉर एग्जाम्पल 5/2, 5/2. Is greater, 5 is greater than 2 or equal, equal bhi ho sakta hai. For example, 4/4, 4/4 or 2/2. Equal hote hain ya usse bada hota hai agar numerator is greater than denominator, to ye kya kehlayenge? Improper fractions. Same like this, one another type of fraction is mixed fraction. In mixed fraction, it is the sum of natural number and proper fraction. Mixed fraction kya hota hai? Ki, that is sum of natural number and proper fraction. Jaise ki proper fraction maine aapko kya bataya tha? 1/2 is jaise proper fraction hota hai. तो उन दोनों को अपन ऐड, सम सम मतलब कि ऐड करना, उन दोनों का जब हम ऐड कर देते हैं तो डेट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन. फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग 3 सर्कल्स, 1, 2, 3 एंड वी आर हैविंग इक्वल पार्ट्स लाइक दिस. ओके, हाफ पोर्शन विल बी कलर्ड. थर्ड सर्कल में हाफ पोर्शन इसका कलर्ड है. अब इसको हम कैसे मेंशन करेंगे, कैसे लिखेंगे? 1, 2 and half. सी लाइक दिस, 1 + 1 + half. अब इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इज इक्वल टू 1 + 1 2 and half. कैसे लिखेंगे? 1 + 1 is 2 and half. इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको बताया 3 circles. 3 circles में से इसका हाफ सर्कल जब कलर किया है हमने, तो 1 + 1 + half is equals to 2 and half. सेम लाइक दिस, इफ वी विल शो दिस फ्रैक्शन इन अ नंबर लाइन और स्केल, देन वी विल शो लाइक दिस. सपोज हमको 1.5 शो करना है. सपोज वी वॉन्ट टू शो 1.5, देन ऑन अ नंबर लाइन वी विल शो लाइक दिस. हम ऐसे स्केल बनाएंगे, नंबर लाइन पे हम ऐसे शो करेंगे. नंबर हमको क्या शो करना है? 1.5, 1 + half. तो हम कैसे शो करेंगे? 1 और 2 के बीच में जो स्पेस होती है वो हाफ हो जाता है, दैट इज हाफ एंड 2. तो हम उसको ऐसे शो करेंगे. तो स्केल पे दिस इज द इजीएस्ट मेथड टू शो फ्रैक्शन ऑन स्केल. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड फ्रैक्शंस. थैंक यू फॉर टुडे. गुड बाय.